राधे कृष्ण, दुविधा में सही निर्णय कैसे लें। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पथ पर दूसरे पथ के विषय में कोई निर्णय लेना ही पड़ता है, और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करती है, ना कि केवल अपनी परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनास से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय दुविधा का उपाय करने के लिए केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले सकता है? वास्तव में शांत मन से जब निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वे व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिए, निर्णय के क्षण में हम सदा ही किसी अन्य के सुझाव का परामर्श को आधार बना लेते हैं, और हमारे भविष्य में लिए गए निर्णय के आधार पर होता है। तो हमारा भविष्य किसी के अन्य के सुझाव का फल है? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी के अन्य के बुद्धि का परिणाम है? क्या हमने विचार किया है? राधे कृष्ण।